हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशुल सैनी आज आपको पढ़ाऊंगा परमाणु क्रमांक। बच्चों, कल हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, आज हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? देखो, मैं आपको परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन बताऊंगा, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करोगे, ठीक है बच्चों। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटोनों की संख्या तथा नाभिक के बाहर उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। एक बार फिर दोबारा से, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटोनों की संख्या तथा नाभिक के बाहर उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बराबर होगा प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों, हम परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं जेड से, यानी जेड बराबर प्रोटॉन को प्रदर्शित करते हैं पी से, पी, और इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं ई माइनस से। मतलब किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? देखो बच्चों, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी समझते हैं हम क्या होती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों की संख्या तथा समस्त न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बच्चों, द्रव्यमान संख्या को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों की संख्या तथा समस्त न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, जेड प्लस एन, आप यहाँ से भी याद कर सकते हो। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों की संख्या तथा समस्त न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो बच्चों, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम यहाँ पर जो जेड है हमारा परमाणु क्रमांक, इसको हम यहाँ पर क्या बोले, प्रोटॉन, क्योंकि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ए बराबर जेड प्लस एन, ये इसका आपका फार्मूला होगा, ठीक है बच्चों, ये आपको फार्मूला याद रखना है। तो बच्चों, अब हम यहाँ पे इसका प्रतीक देखते हैं, इसको हम संकेत कैसे लिखते हैं, संकेत होगा आपका, यहाँ पे कोई एटम्स दिया हुआ होगा आपको, यानी कोई भी एलिमेंट्स दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और बच्चे, जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो बच्चों, यहाँ पे देखते हैं हम क्या होगा, सपोज करो आपको ये लिखा हुआ है 11 N 23, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो इसका परमाणु क्रमांक है या प्रोटोनों की संख्या कितनी है, 11। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, परमाणु क्रमांक, कितना होगा, जेड बराबर
कितना होगा 11। और जो यहाँ पे लिखी हुई है ये होगी द्रव्यमान संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या ए बराबर कितनी है 23। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। द्रव्यमान संख्या की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटोनों की संख्या तथा समस्त न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो बच्चों अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल। देखो आपके पास न्यूमेरिकल क्या है, आपके पास दिया हुआ है 35Br80। ये आपको दिया हुआ है, आप इसको नोट करोगे 35Br80 में प्रोटोनों न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। मतलब आपके पास ये दिया हुआ है 35Br80 में प्रोटोनों इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब आप देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है गिवन, आंसर करते हैं उसका। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर गिवन क्या दिया है बच्चों। अब इसमें सिंपल सी बात है, ये जेड दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है कितना इसका 35, ठीक है बच्चों। और ये क्या है हमारी ए, ए कितनी दी हुई है 80। तो इसने हमसे क्या ज्ञात कराया भाई, प्रोटोनों की संख्या इसने हमसे ज्ञात करा ली, न्यूट्रॉनों की संख्या इसने हमसे ज्ञात करा ली और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसने हमसे ज्ञात कराई। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे, हम जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटोनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी मैंने आपको बताया था ना, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटोनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटोनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो जेड हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी प्रोटोनों की संख्या पी कितनी आ जाएगी हमारी 35 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी हमारी 35। तो बच्चों अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या एन निकालना है। अब नाउ अब क्या लिखेंगे हम जानते हैं फार्मूला था ए बराबर जेड प्लस एन, फार्मूला क्या था हमारा ए बराबर जेड प्लस एन। तो हमको एन निकालना है, तो एन बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ ए माइनस के जेड, एन बराबर ए माइनस जेड। तो अब एन हम सिंपल निकाल सकते हैं, यानी एन बराबर ए कितना था हमारा, ए है हमारा 80 माइनस के जेड कितना है हमारा, जेड है हमारा 35 माइनस के 35। जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी आएगी 45। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। बच्चों ध्यान पूर्वक वीडियो को देखना, तो उम्मीद करता हूँ आपके सब कुछ समझ में आएगा। तो बच्चों मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है। आप इसको नोट कर लोगे या तो वीडियो को रोक लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों क्या कहता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 20 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। आप नोट करोगे एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 20 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसने क्या कहा, परमाणु क्रमांक दे दिया, यानी जेड कितना दिया इसने, एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 20, जेड बराबर 20 और तथा द्रव्यमान संख्या यानी ए दे दी, ए कितनी दी इसने 40, ए दी इसने हमको 40। तो क्या पूछा है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी इसने हमसे क्या ज्ञात करा लिया, एन ज्ञात करा लिया। अब हम लिखेंगे हम जानते हैं ए बराबर जेड प्लस एन, तो इसने हमें एन निकालना। नाउ एन बराबर ए माइनस के जेड, यानी एन बराबर ए हमारा 40 और जेड हमारा 20। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी हमारी 20, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी ये भी समझ में आया होगा, आप इसको भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब मैं आपको एक और न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा,
एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 नोट करना, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 तथा उसकी द्रव्यमान संख्या 66 है, इसके परमाणु में कितने प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है बच्चों, वेरी इजी। तो इसने क्या कहा, एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना दिया बच्चों, इसने 30, यानी जेड हमको कितना दिया, इसने जेड हमको दे दिया 30। उसके बाद ये हमसे क्या पूछ रहा है, तथा द्रव्यमान संख्या, यानी क्या ए कितनी दे दी 66, तथा द्रव्यमान संख्या 66 है, इसके परमाणु में कितने प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे, यानी एन इसने हमसे पूछ लिया और इसने हमसे पी पूछ लिया। अब हम दोबारा लिखेंगे, हम जानते हैं प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोन को मैं पी से प्रदर्शित कर, प्रोटोनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, यानी जेड के बराबर होती है। तो हमारा जो पी होगी, पी कितना आएगा, जेड हमारा कितना दिया हुआ है 30, तो हमारी प्रोटोनों की संख्या कितनी आई 30। नाउ अगेन, यानी हम दोबारा से एक फार्मूला और जानते हैं, ए बराबर जेड प्लस एन, क्या ज्ञात करना हमको, एन, यानी एन बराबर ए माइनस जेड, या एन बराबर ए कितना है हमारा, ए है हमारा 66 और जेड कितना है हमारा 30, जैसे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36, एन बराबर कितना आएगा हमारा 36। तो ये हमारी न्यूट्रॉन की संख्या निकल गई और ये हमारी प्रोटॉन की संख्या निकल गई। उम्मीद करता हूँ आपकी ये भी न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, आप न्यूमेरिकल नोट कर लेना बच्चों। ये देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, ये क्या कह रहा है, एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन तथा 18 न्यूट्रॉन है। एक तत्व के, नोट करना बच्चों, एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन तथा 18 न्यूट्रॉन है, इसकी संयोजकता तथा द्रव्यमान संख्या क्या होगी। बच्चों इसने क्या दिया, एक परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन, यानी पी कितना दे दिया इसने हमको 17 प्रोटॉन तथा 18 न्यूट्रॉन है, और एन कितने दे दिए इसने 18। ठीक है बच्चों, तो इसने हमसे क्या ज्ञात कराया, ए ज्ञात कराया इसने, एक तो ए ज्ञात कराई और एक इसने इसकी संयोजकता, यानी वैलेंस, संयोजकता हमको ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम जानते हैं जो प्रोटॉनों की संख्या है वह किसके बराबर होगी, जेड के, यानी अब नाउ फार्मूला क्या था हमारा, ए बराबर जेड प्लस एन, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि पी तो जेड के बराबर है, जेड की वैल्यू आएगी हमारी 17। ठीक है बच्चों, तब हम ए बराबर जेड कितना है 17 प्लस एन कितना है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी 18, तो ए बराबर कितना आएगा 35। तो बच्चों ये तो आ गई हमारी द्रव्यमान संख्या। अब इसने हमसे क्या ज्ञात कराया, ये हमसे पूछ रहा है कि इसकी संयोजकता भी, तो बच्चों संयोजकता देने के लिए इसने इसका परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है 17। तो बच्चों संयोजकता निकालने के लिए हम इसका परमाणु क्रमांक क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब 17 परमाणु क्रमांक 17 है, यानी जेड कितना दे रखा है इसने 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था, 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3d5। बच्चों ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 5, 17। अब हमारी ये भी हमारी कक्षा कंप्लीट, और जो ये हमारी कक्षा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो बच्चे संयोजकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर 5 से ज़्यादा है तो हम 8 में से माइनस करते हैं, तो संयोजकता कितनी होगी हमारी, संयोजकता बराबर थर्ड क्लास कौन सी हमारी है, कितने इलेक्ट्रॉन है 7, माइनस कितने में से करेंगे 8 में से, 8 माइनस के 7, 7 क्यों है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 5 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो हमारी जो क्लास है वो सेम है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए 7, 8 माइनस 7 बराबर 1। तो बच्चों संयोजकता कितनी है हमारी,
संयोजकता होगी हमारी एक। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी ये भी समझ में आया होगा। तो बच्चों आप वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, मैं आशा करता हूँ आपकी सब कुछ समझ में आएगा। तो बच्चों यदि आपको तब भी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर करके पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।